हरियाणा चुनाव बेहद दिलचस्प होता जा रहा है और हरियाणा में कांग्रेस के लिए प्रचार करने के लिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी भी पहुंचे हुए हैं। लल्लू जी, कहा जा रहा था कि शुरू में कि बहुत कांग्रेस के लिए बहुत इजी होगा, 10 साल के जो एंटी इनकम्बेंसी है कांग्रेस का फ़ायदा उठा के सरकार बना लेगी, लेकिन अब लग रहा है कहीं ना कहीं कि भाजपा जो है लड़ाई में लौटी है। मेरा बड़ा स्पष्ट मत है और जो मैं निरंतर क्षेत्र में घूम रहा हूँ हरियाणा के तमाम जगहों पर, रोहतक, भिवानी, गुड़गांव या फरीदाबाद, अन्य जगहों पर जिन जिन प्रत्याशियों के प्रचार प्रसार में मैं गया, मैंने आम लोगों से मिलकर उनकी बात को सुना, जाना, समझा। एक तरफा लहर है कांग्रेस की, 36 कौम के लोग मजबूती के साथ कांग्रेस को वोट करने जा रहे हैं और कांग्रेस की सरकार बनाने जा रहे हैं। 10 साल की जो खट्टर साहब की सरकार थी और जो नायब सिंह सैनी जी अभी मुख्यमंत्री है, भाजपा की सरकार, मोदी जी की सरकार, पूरी तरह हर मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी विफल है। बेरोजगारी के सवाल पर, खिलाड़ियों के सवाल पर, महंगाई के सवाल पर, भ्रष्टाचार के मामले में, सारी परतें एक एक करके इस सरकार की खुल चुकी है। और मैं तो धन्यवाद दूंगा हरियाणा की जनता को, हरियाणा के आम आवाम को, कि लोगों के अंदर यहाँ जबरदस्त जागरूकता है, वोटिंग के प्रति भी, नेता के प्रति भी, काम के प्रति भी, मूल्यांकन के प्रति भी। और जिस तरह लोग सारे प्रत्याशियों के और खासकर भाजपा के जो कुरूतियां रही हैं, जो अन्याय रहा है, अत्याचार रहा है, शोषण रहा है, जंगल राज रहा है, खिलाड़ियों के साथ जो उनकी नीति रही है, खासकर बिगेश फोगाट के बारे में आपने देखा होगा, जाना होगा, उनके साथ पूरा समर्थन जन सैलाब हरियाणा का उमड़ा और उनके साथ कदम से कदम मिला के चला। तो मैं समझता हूं कि काले कानून के खिलाफ जिस तरह हरियाणा ने सड़कों पर संघर्ष किया, बैरिकेटिंग लगाई गई, 750 से अधिक किसान मारे गए, वो सब आज लोगों के दिल में है, दर्द के रूप में छलक रहा है। ये भी तो कह रहे बीजेपी की कांग्रेस तो आपस में ही लड़ रही है। देखिए, ये जो नैरेटिव सेट करने का प्रयास भाजपा का है सोशल मीडिया के जरिए या उनके तमाम वक्ताओं के जरिए, ये सब चलने वाला नहीं। ग्राउंड में अस्पष्ट है, जनादेश कांग्रेस के साथ जा रहा है, आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ जा रहा है। जो आदरणीय राहुल गांधी जी ने मोहब्बत का पैगाम लेकर पूरे देश में यात्रा की और जो नफरत के खिलाफ, हिंसा के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, किसानों को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, संसद से लेकर सड़क तक संघर्ष किया, मैं समझता हूँ कि पूरा हरियाणा आज राहुल गांधी जी के साथ खड़ा है, कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा है। आप लोग एंटी इनकम्बेंसी को के भरोसे ज्यादा है क्या? नहीं, जनता के भरोसे है, जनमत के भरोसे है, युवाओं के भरोसे है, महिलाओं के भरोसे है और उन सवालों पर किसानों के भरोसे है, जातिगत जनगणना के सवाल पर जनता के भरोसे है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो मुद्दे रहित विषयक है, इसी पर हरियाणा में चुनाव हो रहा है और हरियाणा कहीं अटकने भटकने वाला नहीं। हरियाणा ने मन बना लिया है कि इस बार कांग्रेस की सरकार। लोकसभा में भी यहाँ 50-50 मुकाबला था, दोनों पार्टियां 5-5 सीटें जीते, तो क्या इस बार भी लोग विधानसभा में भी यही ट्रेंड रहेगा कि क्लोज फाइटिंग है? आपने देखा होगा कि पिछली बार हरियाणा में सभी सीटों पर भाजपा जीती थी और इस बार आधा आधा हो गया, पूरी ताकत थी, पूरा जोर था, सारी एजेंसी, सारी मशीनरी, ईडी, सीबीआई, सब कुछ था। इस बार भी लगा लोगों के ऊपर, अभी एक हमारे हरियाणा के विधायक थे, उनको जेल भेजने की कवायद की गई, हाईकोर्ट ने उसे निरस्त कर दिया, उनके मामले को, ईडी के मामले को, सीबीआई के मामले को। तो जो ये पूरा कुचक्र है, जो ये नैरेटिव बनाने की कोशिश भाजपा के द्वारा की गई, वो पूरी तरह फेल हो चुका है। कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। सवाल बार बार वही पूछ रहे, मुख्यमंत्री कौन होगा? देखिए, मुख्यमंत्री तो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा और मैं समझता हूँ विधायक दल का चुनाव होता है, विधायक दल में जो नेता होता है वही मुख्यमंत्री होगा। तो ये तो अभी चुनाव की प्रक्रिया है। कितनी सीटें आ जाएंगी लग रहा है? मुझे लगता है कि 65 से 70 सीटें कांग्रेस जीतने जा रही है, एकदम एक तरफा।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अजय कुमार लल्लू जी हरियाणा में प्रचार करने पहुंचे, इनको पूरा यकीन है कि 2/3 बहुमत के साथ हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। बाकी आप लोग क्या सोचते समझते हैं हरियाणा चुनाव को लेकर, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।